Hi guys. Hi. Assalamu alaikum. तो अभी हम जा चुके ब्रिज कैंडी, वहाँ पर हम लोग फेमस सैंडविच खाने गए थे। ये वहाँ की छोटी मोटी क्लिप्स है जो मैंने निकाली थी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो अभी हम पहुँच गए सैंडविच की दुकान में। माशाल्लाह आज भी वही वैसा ही टेस्ट है उस सैंडविच का। अभी मेरे बचपन से मैं वो सैंडविच खा रही हूँ। सैंडविच वाले अंकल सैंडविच बना रहे, मेरे बचपन से हम लोग यहीं से सैंडविच वगैरह खाते हैं। और आज भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी और बहुत इंजॉय की हमने। और बच्चे लोग काफ़ी आइसक्रीम वगैरह भी खाए हमने, चोको चिप्स आइसक्रीम चॉकलेट की खाए, वो भी बहुत ही लजीज थी। और खूब ऐसे ही हमने इंजॉय किए, मज़ा किए सैंडविच वाले। अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 द नेक्स्ट डे मैं थक हार कर घर पर आ गई थी। तो वहां से आने के बाद मैंने खाला को मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली उनको गाँव जानी थी ना, तो वो इस वजह से वो मेहंदी लगवा रहे थे। तो अब मुझसे जितना जल्दी हो चुका तो मैंने लगाई, और इस बीच ज़्यादा कुछ शूट नहीं करी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेहंदी भी आती है, मैं वो भी करती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लगी थी और उनको काफ़ी पसंद भी आई, तो उन्होंने खुशी खुशी मेहंदी लगवाए और फिर वो अपने घर चली गई। मैं फिर मेरा सारा काम धाम करके फिर हम भी हमारा बैठ गए थे चुपचाप से। तो चल रही है उनकी, अभी आगे की तो लग चुकी थी, तो अभी हमने फिर पीछे भी लगा दिए थे उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे पीछे दोनों अच्छी तरह मैंने लगा दी थी मेहंदी उनको। आई होप कि उनको अच्छी ही लगी होगी, और वैसे भी हमेशा वो लोग हमसे ही लगवाते हैं मेहंदी। तो सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये मंचूरियन पकोड़े जो गोभी के हैं। सॉरी मैं इसमें जब इंग्रेडिएंट्स मिला रही थी, मैंने जब वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने अभी इसको तलने के लिए निकाली हूँ। तो मैंने इसमें डाली हूँ गोभी, फूल गोभी जो होती है वो है, और हरी मिर्ची है, और इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अजीनामोटो और चिली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और कलर और मैदा और कॉर्नफ्लावर मिला के मैंने ये बैटर ऐसे तैयार करी हूँ। अभी मैंने अपना तेल वहाँ पर देखिए गर्म होने के लिए रख दिया, मैंने कम तेल डाली। अभी आपको चाहिए तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, कम तेल में करना है तो भी कर सकते हो इसमें। और तो आप गोभी भी डाल सकते हैं। मैं अभी इसके छोटे छोटे बॉल उठा के इसमें डालूँगी ताकि ये अच्छे से तल जाए। और मैंने इसके लिए रेड चिल्ली की चटनी भी बना के रखी हूँ, वो रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको अगले बार बताऊँगी। तो ऐसे मेरे पकोड़े यहाँ पर तलने शुरू हैं। और मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ज़रा अप्स एंड डाउन चल रही है मेरी तबीयत। तो यहीं पर मैंने दो तीन दिन में जो भी शूट करी थी वही व्लॉग में आप लोग को देखने मिलेगा। मैंने छोटे छोटे चीज़ जो भी करी हूँ, तो अब देखिए देखिए मेरा पकोड़ा कैसे तल रहा है मस्त गरम गरम। तो हमें खाकर मेरा बेटा बताएगा कि कैसा टेस्ट है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये भी आप आराम से इजीली कोई भी बना सकता है, आप खा सकते हैं अपने घर पर आराम से। तो अभी मैं इसे पलटा रही हूँ शैलो फ्राई में, ये क्रिस्पी हो रहे अच्छे, कड़क कड़क करके खाइए आप लोग, मज़ा आएगा खाने में। तो इसी के साथ में देखिए क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े तैयार है। और आज मैं मेरा व्लॉग दो तीन दिन से मैंने
साथ में जो भी शूट की हूँ यही मेरा व्लॉग में एंड करती हूँ। आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।